दोस्तों, मनुष्य आज धरती से अंतरिक्ष, चांद और मंगल ग्रहों तक पहुंच गए हैं। मगर इनके बावजूद ऐसे कई रहस्यमय कहानियां हैं जो आज भी अबूझ पहले ही बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दुनिया के 5 अनसुलझे रहस्य के बारे में जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। मैं हूँ आपका दोस्त राजू और आप देख रहे हैं एडवेंचर ट्यूब। नंबर 5, एलियन एस्केलेशन। साल 2003 में चिली के आटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच लंबा एक विचित्र कंकाल पाया गया। अनेक लोगों का मानना यह है कि यह 6 इंच लंबा कंकाल किसी अन्य ग्रह से संबंधित है, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जांचकर्ता दावा करते हैं कि यह कंकाल हजारों साल पहले इंसानी डीएनए से छेड़छाड़ कर बनाया गया एक अन्य जीव है। असल में यह क्या है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, बरमुडा ट्रायंगल। बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाने जाने वाला यह इलाका मियामी, बरमुडा और पुर्टो रिको के बीच पड़ता है। इस इलाके में से गुजरने वाले पायलट बताते हैं कि यह कई हवाई जहाज गायब हो चुके हैं, साथ ही कई पानी के जहाज भी समुद्र में गायब हो चुके हैं। इसके लिए लोग अलग अलग कारण को जिम्मेदार ठहराते हैं, मगर अब तक इसके पीछे की वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सका है। नंबर 3, द डांसिंग प्लेग। रोमन शहर में एक ऐसी विचित्र नाचने वाली बीमारी फैली जिसे लोग डांसिंग प्लेग का नाम दिया। करीब 400 लोग जो एक रोमन शासित शहर में रहते थे, उन लोगों ने अचानक नाचना शुरू कर दिया, जो करीब एक महीना तक लगातार नाचते रहे। कई लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, परंतु वो नाकाम रहे। इन लोगों में से अधिकतर लोग थकान, दिल का दौरा तथा खून के नशे फट जाने के कारण मारे गए। इस रहस्यमय बीमारी को आज भी नहीं समझा जा सका। नंबर 2, द लॉसनेस मॉन्स्टर। इसके बारे में इतनी रहस्यमय कहानियां प्रचलित है कि अब तक लोग ये भी मानते रहे कि एक समुद्री जीव है। इसकी ना जाने कितनी तस्वीर और वीडियो बनाए जा चुके हैं, जिसे देखकर कोई इसे डायनासोर का वंशज तो कोई समुद्री सांप बताते हैं। सिर्फ यही नहीं, आज भी लोग दावा करते हैं कि इसे इसके इलाके में कभी पानी के ऊपर तो कभी पानी के नीचे देखा जाता है, मगर असल में क्या है एक किसी को नहीं पता। नंबर 1, वो सिग्नल। सन 1977 में गर्मियों के दिनों की बात है, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का वॉलंटियर जेरी एमन ऐसे पहले शख्स बने जिन्हें दूसरी दुनिया यानी कि एलियन से सिग्नल प्राप्त हुआ। एमन तब रेडियो सिग्नल्स को स्कैन कर रहा था और उन्हें सिग्नल 72 सेकंड तक प्राप्त हुए। उसके बाद एमन ने सिग्नल की प्रिंट आउट पर वो लिख दिया, तब से इसे वो सिग्नल कहा जाने लगा। हालांकि इस तरह के सिग्नल कभी दोबारा नहीं मिले है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर लाइक कीजिए और ऐसे ही रोचक भरी जानकारी के लिए हमारे चैनल एडवेंचर ट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।